नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में राजस्व अमीन और तहसील में राजस्व संग्रह से जुड़े अधिकारियों व कार्मिकों का संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी श्रीमती ईला गिरी और तहसीलदार श्रीनगर यशवीर सिंह द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजस्व अमीनों को राजस्व संग्रह नियमावली व मैनुअल के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों, निर्धारित किए गए प्रारूपों व प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व संग्रह और वसूली से जुड़े दस्तावेजों और पंजिकाओं को बनाने व उन्हें भरने की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि निर्धारित प्रारूप के अनुरूप उसमें किस तरह से नियमानुसार कार्रवाई का ब्यौरा दर्ज करना होता है, उसके मिलान से लेकर उच्च अधिकारियों, तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार कांगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और उप जिलाधिकारी से उन कृत कार्रवाइयों के अनुपालन आख्या का सत्यापन करवाना है। साथ ही पंजिकाओं और रिकॉर्ड की कस्टोडियन सुरक्षा इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान तहसीलदार श्रीनगर यशवीर सिंह ने बताया कि राजस्व वसूली से संबंधित पंजिकाओं के साथ साथ दैनिक कार्य डायरी, फील्ड विजिट डायरी व इसी प्रकार मासिक छमाही और वार्षिक डायरी व पंजिकाओं को किस तरह से भरा जाता है और उसमें दर्ज विवरण को अभिलेखों में किस तरह अंकित किया जाता है। प्रशिक्षण में बताया गया कि किस तरह के मामलों में आरसी रिकवरी की कार्यवाही की जा सकती है। रिकवरी अधिनियम 1972 और लोन अधिनियम के तहत रिकवरी के प्रावधानों को बताया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने बताया कि राजस्व संग्रह से जुड़े तहसील कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का मकसद है कि उनके द्वारा तहसीलों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि राजस्व कार्मिक नियमों और प्रक्रियाओं की सही जानकारी न होने के चलते न तो सही तरह से और न ही सही समय पर राजस्व संग्रह कर पा रहे हैं, न ही राजस्व संग्रह से संबंधित पंजिकाओं को उसमें दर्ज की जाने वाली कार्यवाही, दैनिक डायरी और नियमानुसार कुर्की, गिरफ्तारी, FIR दर्ज कर पा रहे हैं। कहा कि उन्होंने पाया कि राजस्व संग्रह दो नियमों से अनभिज्ञ है। साथ ही रजिस्ट्रार कांगो और नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी राजस्व वसूली से जुड़ी पंजिकाओं का उस तरह से अवलोकन नहीं कर रहे हैं जैसा नियमानुसार करना चाहिए। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागार में हमारे जितने भी कलेक्शन अमीन हैं, कलेक्शन कार्य करने के लिए जो WPNs हैं उनको हम लोगों ने आज यहाँ पे एक ट्रेनिंग का आयोजन किया है। ट्रेनिंग में कलेक्शन मैनुअल्स में संग्रह की प्रक्रिया, संग्रह के दौरान जो अभिलेख अमीन के स्तर पर उनको रखना होता है, साथ में WPN और तहसील के जो कर्मचारी हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, इनके कार्यों की जानकारी जो आज प्रदान किया गया है। हम अपेक्षा करते हैं कि सभी तहसीलों में जो कलेक्शन मैनुअल होती है उसका अनुसार कार्यवाही किया जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है तहसील का, जिसमें संग्रह कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन महत्वपूर्ण दायित्व करने का समस्त जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं सभी अधिकारी इसको गंभीरतापूर्वक ग्रहण करेंगे।